आज हम आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें एक इन्फॉर्मेशन है कि नीट 2020-21 नीट 2021 एग्ज़ाम कब होने वाला है। बहुत से लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन था कि यार नीट का एग्ज़ाम हम लोग का कब होगा। तो दोस्तों आज ये क्लियर हो गया है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो हमारा कब होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नीट का 2021 एग्ज़ाम है वो कब होगा। एग्ज़ाम डेट जो है 1 अगस्त 2020-21 1 अगस्त 2021 को ये एग्जाम होने वाला है। ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली है, सब लोग को ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली है, तो इसको लिए आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन अगर मैं बात देखूं कि नीट 2021 अगर आप कहीं वेबसाइट पर सर्च करेंगे या कहीं इधर उधर सर्च करेंगे तो आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अगर मैं बात करता हूं तो आपको एनटीए की वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि नीट का जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो कौन कराता है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए की अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं तो ये कहां से मिली है, एनडीटीवी और इंडिया टुडे का जो न्यूज़पेपर है, न्यूज चैनल है, वहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप सर्च करेंगे कि एनडीटीवी सर्च करेंगे कि नीट 2020-21 एग्जाम विल बी कंडक्टेड, तो आपको लिखा वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि 1 अगस्त 2020-21 में होने जा रहा है। तो दोस्तों 1 अगस्त 2021 को अगर ये एग्ज़ाम होता है तो दोस्तों आपके पास अच्छा टाइम है। आप ये मत सोचना कि यार मेरे पास कम टाइम रह गया, तो 1 अगस्त बहुत अच्छा टाइम है, करीबन 4 से 4.5 महीने का आपको मिल रहा है टाइम, तो आप आराम से इसको पॉपअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम का मोड कैसे होने वाला है अब इस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे कई लोग को माइंड में कन्फ्यूजन था कि यार एग्ज़ाम का मोड ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो दोस्तों एग्ज़ाम का जो मोड है ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग सोच रहे थे कि यार स्कूल कोरोना काल में यार ऐसा ना हो कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, तो ऑनलाइन नहीं है, ये एग्जाम ऑफलाइन होगा, पेन और पेपर थ्रू होगा। एग्जामिनेशन की जो लैंग्वेज होगी, जैसे कई लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तेलुगू, मराठी, तो ऐसे 11 लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। वेबसाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो आप वेबसाइट की जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है जहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, उस वेबसाइट को आपको मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ से आप नॉर्मल वेब गूगल पर आप टाइप करेंगे www.nta.neet.nic.in, आपको दोस्तों ये इंफॉर्मेशन नीट की जो 2021 की जो इंफॉर्मेशन है ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी पब्लिश हो जाएगी। लेकिन आपको सर्च कैसे करना है, www.ntaneet.nic.in, जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलीज होती है एनटीए के द्वारा यहां पर आपको मिल जाएगी। अब इसकी बाद हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पैटर्न। कई लोगों के माइंड में होगा कि यार एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है, तो दोस्तों जो भी ये इंफॉर्मेशन अभी तक रिलीज हुई है इसमें कहीं पर भी सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न कहीं पर भी पब्लिश नहीं हुआ है। तो ये कहीं नहीं दिखाया हुआ है कि एग्जाम का पैटर्न ये होने वाला है, एग्जाम का सिलेबस ये रहने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर का जो एग्जाम का जो पैटर्न था उसके उसमें जो है आपको पता होगा 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। जो नए बच्चे हैं जो इस बार नीट एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट ईयर का जो एग्जाम का पैटर्न था फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फिजिक्स में मैं बात करता हूं 45, केमिस्ट्री में बात करता हूं 45, बायोलॉजी में बात करता हूं मैं 90, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर आपको मिल जाते हैं 180 क्वेश्चन। कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, एक फिजिक्स में अगर मैं बात करूं 45 है, केमिस्ट्री बायो तो यहां पर मैं बात करता हूं 180 क्वेश्चन, एक मार्क्स जो एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 मार्क्स का रहता है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स रहेंगे वो 720 का रहेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 180 का रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये नीट 2021 का जो आपका एग्जाम का जो होने वाला है एग्जाम पैटर्न, उसके थ्रू जो आपको इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, इसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी जो तैयारी है अच्छे से करिए। इसके लिए फिजिक्स प्लैनेट इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए डेली बेसिस पर जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करिए, ताकि और फ्रेंड्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।